करेंगे नवा रायपुर की, जहां कांग्रेस स्टीयरिंग कमेटी की बैठक में बड़े फैसले लिए गए हैं। कांग्रेस के संविधान में बड़ा संशोधन होगा। वर्किंग कमेटी में सभी वर्गों को जगह मिलेगी। ओबीसी, एसटी और एससी को प्रतिनिधित्व मिलेगा। सीडब्ल्यूसी के सदस्यों को चुनाव नहीं होगा, तो मेंबर चुनने का अधिकार कांग्रेस अध्यक्ष के पास रहेगा। 32 नियमों में यहां संशोधन होगा। तो कई बड़े फैसले इस बैठक में लिए गए हैं। सीडब्ल्यूसी के सदस्यों को चुनाव नहीं होगा। यहां पर ओबीसी, एसटी और एससी को प्रतिनिधित्व मिलेगा। सीडब्ल्यूसी के सदस्यों का चुनाव नहीं होगा। मेंबर चुनने का अधिकार कांग्रेस अध्यक्ष के पास रहेगा। तो 32 नियमों में संशोधन होगा। वर्किंग कमेटी में सभी वर्गों को जगह मिलेगी। तो कांग्रेस के भविष्य पर भी अहम फैसले होंगे। बैठकों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। इस बैठक के दौरान कई अहम फैसले लिए गए हैं। तो कांग्रेस स्टीयरिंग कमेटी की बैठक खत्म हो चुकी है। बैठक में कई बड़े फैसले। कांग्रेस के संविधान में बड़ा संशोधन होगा। वर्किंग कमेटी में सभी वर्गों को जगह मिलेगी। ओबीसी, एसटी और एससी को प्रतिनिधित्व मिलेगा। सीडब्ल्यूसी के सदस्यों को चुनाव नहीं मिलेगा। यहां मेंबर चुनने का अधिकार कांग्रेस अध्यक्ष के पास रहेगा। तो 32 नियमों में संशोधन किया जाएगा। तो बैठक के बाद कांग्रेस ने पीसी की प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए इन सभी बातों के बारे में जानकारी दी। वेणुगोपाल और जयराम रमेश ने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की। और चलिए इस खबर पर अधिक जानकारी ले लेते हैं। एग्जीक्यूटिव एडिटर मनोज सैनी जी लाइव हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनोज जी, स्टीयरिंग कमेटी की बैठक सभी की नजर थी, खत्म हो चुकी है, कई बड़े फैसले यहां पर लिए गए हैं। देखिए, एक तो कांग्रेस स्टीयरिंग कमेटी में कई बड़े निर्णय हुए हैं, लेकिन बड़ी बात यही है कि कांग्रेस हमेशा जो समरसता की बात कहती रही है, समरसता के साथ आगे बढ़ने की बात कहती रही है, तो हर वर्ग के लिए कुछ करने की तैयारी है कांग्रेस की। लेकिन आप पूर्ण रूप से इस पूरी स्टीयरिंग कमेटी की बैठक को देखेंगे तो कहीं ना कहीं इसमें चुनावी झलक नजर आती है 2023 की भी और 24 की भी, क्योंकि तीन राज्यों में चुनाव होना, हाल ही में कर्नाटक में चुनाव होना है, उसके बाद 2024 की तरफ भी कांग्रेस को बढ़ना है। तो आज की जो स्टीयरिंग कमेटी थी, बड़ी महत्वपूर्ण बैठक है। लेकिन बड़ी बात यह है कि जो नॉमिनेट करने की बात कही जा रही है कि सीडब्ल्यूसी के जो चुनाव होना था, कमेटी के लिए चुनाव होना था मेंबर के, अब वो नहीं होंगे, यानी नॉमिनेट होगी। और जिस तरह की उम्मीदें की जा रही थी कि शायद इस बैठक में ऐसा ही होगा, चुनाव ना कराए कांग्रेस, तो ये बड़ा निर्णय इसको कहा जा सकता, जिस तरह जयराम रमेश ने अपनी बात कही उसका उससे ये अंदाजा लगाया जा सकता। लेकिन इससे एक मैसेज ये भी जाता है कि कांग्रेस फिर वही उसी लाइन पर रहेगी कि नाम नॉमिनेट कर दिए जाएंगे, क्योंकि कहा यह जा रहा था कि शायद यहाँ इलेक्शन कराए जा सकते, और यदि चुनाव होते तो फिर कई तरह के नाम, उसमें हम बात करें दिग्विजय सिंह का नाम था, कमलनाथ का नाम था, या बाकी जो दिल्ली से तमाम लोग पहुंचे उनका नाम था, तो कौन ऐसा व्यक्ति था जो उसके लिए चयनित होता। लेकिन अब नाम तय हो जाएगा, नॉमिनेट हो जाएगा। थोड़ी ही देर में राहुल गांधी और सोनिया गांधी भी यहाँ पहुंचने वाली है। शाम 4 बजे फिर एक बैठक होगी, और यदि दूसरे दिन की बात करें तो फिर राहुल और सोनिया दोनों संबोधित करेंगे। मेरे साथ इस वक्त हमारे स्टेट हेड आदित्य भी साथ जुड़े हैं, लगातार नजर रखे हुए। आदित्य, क्या कहेंगे, जिस तरह हम कह रहे थे, चर्चा करते हैं कि आखिर भाई हुआ कि शायद नाम नॉमिनेट हो जाए। मनोज जी, देखिए, ये ऐसा लगता है कि पहले से स्क्रिप्ट लिखी हुई है, पटकथा लिखी हुई है और उसी को पढ़ा जा रहा है। दूसरी बात देखिए, सबसे बड़ी बात नजर ये आ रहा था जो जयराम रमेश बार बार बताने की भी कोशिश कर रहे थे कि 50% लोग चाहते थे कि चुनाव हो, लेकिन 50% के चाहने के बाद भी कोई डिसीजन नहीं हुआ। मतलब बेहद साफ है, बिना सोनिया गांधी, बिना राहुल गांधी की मौजूदगी में डिसीजन नहीं हुआ। तो डिसीजन बहुत साफ है कि ये वोटिंग नहीं होगी, नॉमिनेशन ही होगा। मतलब साफ है, नाम प्रस्तावित किए जाएंगे, उन्हीं नाम पर मुहर लगेगी, क्योंकि उन्होंने साफ कहा कि हमने राष्ट्रीय अध्यक्ष को अधिग्रहित कर दिया है इस पूरे सीडब्ल्यूसी के चुनाव के लिए। दूसरी महत्वपूर्ण बात, जो एससी एसटी वर्ग को प्रतिनिधित्व दिया जा रहा है, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष को प्रतिनिधित्व दिया जा रहा है, ये कहीं ना कहीं कांग्रेस की एक नई इबारत यहां से लिखनी शुरू हुई है। 50वें राष्ट्रीय अधिवेशन है, महाधिवेशन का नाम दिया गया है, और राहुल की जो भारत जोड़ो यात्रा है उसके बाद हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा, ये यहां पर इसकी थीम है। राहुल गांधी, सोनिया गांधी 15 से 20 मिनट में यहां पर पहुंचने वाले हैं, लेकिन बहुत साफ है सीडब्ल्यूसी का चुनाव नहीं होगा, ये अब तक की बैठक में साफ हो चुका है। सबसे बड़ी खबर हम यही कह सकते हैं, लेकिन राहुल और सोनिया गांधी यहां पहुंच रहे, उनका भाषण भी होना, क्या ये माना जाए कि जो मूल बातें हैं, अब जैसे जैसे ही वो पहुंच जाएंगे, कई बार ये कहा भी जाता है कि जब तक राहुल गांधी या सोनिया गांधी नहीं पहुंचेंगे तो फिर ठीक है, स्टीयरिंग कमेटी की बैठक हो गई, कई सारे निर्णय हो गए, लेकिन इसके बाद ही वो मूल निर्णय होते दिखाई देंगे। देखिए मनोज जी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बहुत साफ है, राष्ट्रीय अध्यक्ष को भी बच जाए, लेकिन ये बड़ी बात है कि लगभग 35 साल के बाद
कोई गैर जब गांधी परिवार का कोई जब अध्यक्ष है तब ये कमेटी की बैठक हो रही है, ये पूरा अधिवेशन हो रहा है, ये अपने आप में बड़ी बात है। लेकिन बहुत साफ है आज भी कांग्रेस पार्टी में कोई भी डिसीजन बिना सोनिया गांधी के, बिना राहुल गांधी के मौजूदगी के नहीं हो सकता। CWC का बहुत साफ है, चुनाव नहीं होगा, केवल नाम जो है वो अध्यक्ष के तौर पर, अध्यक्ष जो है वो नाम सामने लाएंगे और वो नाम में सब लोग अपनी हामी भरेंगे। फिर भी 50% लोग चाह रहे थे, लेकिन साफ है चाहने न चाहने से कुछ नहीं होता। कहा था कि कुछ लोगों ने एक हाथ उठाया, कुछ ने दोनों उठा दिए, ये बात बहुत साफ है। जयराम रमेश ने वो अपनी बात को मेकओवर करने की कोशिश कर रहे थे कि भाई चाह तो सब रहे थे, जब चाह सब रहे थे तो हो क्यों नहीं रहे। अगर 50% लोग चाह रहे थे और 50% वो कौन लोग थे जो नहीं चाह रहे थे, बहुत साफ डिसीजन उसमें आया कि जो यूथ है जो उसमें शामिल है CWC स्टीयरिंग कमेटी में, वो चाह रहा है कि चुनाव हो, और जो वयोवृद्ध नेता है जो ये कहा जाता है कि काफी लंबे समय से पार्टी में एक्टिव, लेकिन वो नहीं चाह रहे कि चुनाव हो। तो ये यूथ और जो 50+ और 50 के नीचे वाले, इनके बीच की लड़ाई है जो साफ तौर पर नजर आ रही है। एक प्रस्ताव भी पारित हो गया, जैसा वो प्रस्ताव की बात कर रहे थे, तो मेरा अंतिम एक सवाल है कि प्रस्ताव में ये कहा गया पूर्व प्रधानमंत्री, पूर्व अध्यक्ष यानी वही, कांग्रेस को नयापन दिखाना पड़ेगा मनोज जी। ये सब बहुत घिसी पिटी चीजें होंगी, पूर्व प्रदेश अध्यक्षों को आप ले रहे हैं, पूर्व पदाधिकारियों को आप उसमें इंक्लोज कर रहे हैं। देखिए अब यूथ की बारी है, और राहुल गांधी खुद कह रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है कि इंतजार करना चाहिए, जब राहुल गांधी इस बैठक में शामिल हो तो हो सकता है और भी कई नई चीजें हैं, क्योंकि राहुल गांधी शुरू से पक्षधर रहे हैं, 50 से कम लोगों को 50% टिकट देने की बात उन्होंने की थी, हो सकता है इसमें कोई डिसीजन आ पाए। राजस्थान में जब बैठक हुई थी, तो राहुल गांधी ने सबसे पहले यही बात रखी थी कि कम उम्र के जो लोग हैं, युवा जो लोग हैं, उनको मौका दिया जाना चाहिए। लेकिन दो दिन तक और ये बैठक चलने वाली, बैठक में और क्या कुछ निर्णय होंगे, और खासकर सोनिया और राहुल के पहुंचने के बाद क्या कुछ नया दिखाई देगा। लेकिन आज यही कहा जा सकता है कि CWC के लिए नाम नॉमिनेटेड होंगे, सबसे बड़ी खबर यही। चुनाव ना होकर नाम नॉमिनेटेड यहाँ पर किए जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया मनोज जी, आदित्य जी, तमाम बातचीत के लिए।